अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा सा तरबूज देखकर आपके मुंह में पानी आ तो रहा होगा, लेकिन ये आप सबके लिए नहीं, हमारे बर्ड्स के लिए है। आज मैंने सब बर्ड्स को डाइट में वाटरमेलन दिया था, क्योंकि आप सबको पता है कि दो तीन दिन से इन सबको मिक्स बाजरा ही मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज इनको तरबूज दे देना चाहिए। तरबूज से इनको गर्मी में अच्छे से एनर्जी मिल जाएगी। और तरबूज के साथ मैंने इनको खुबानी दी थी और हमारे तीतर और चकोर को मैंने भीगी हुई दाल दी थी, जो कि काफ़ी शौक़ से खाते हुए आप सबको नज़र भी आ रहे हैं। भीगी हुई दाल को हमारे तीतर और चकोर काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और हमारे ग्रीन पैरट्स को भी आज तरबूज और खुबानी मिली थी, और हमारी बजीज को भी आज फ्रूट ही दिया था, इनको भी बिल्कुल भी मिक्स दाना नहीं दिया था। मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको आज फ्रूट्स ही देना चाहिए, ताकि इनको मज़े से अच्छी सी डाइट देते हैं, क्योंकि बाजरा खाकर दो दिन से ये भी बोर हो गए होंगे। आज इनको फ्रूट देते हैं, जो कि ये मज़े से इंजॉय भी कर लेंगे। और हमारे मिट्ठू जी को भी हमने आज फ्रूट ही दिया था। फाइनली फिंचिस की बारी है, और फिंचिस को भी आज कंगनी दी थी। फिंचिस को कंगनी के अलावा मैं कुछ नहीं देती, फिंचिस को सिर्फ कंगनी ही देती हूँ, और जावास को भी। और हमारे जो डव्स हैं, डव्स को मैंने मिक्स दाना भी दिया, बाजरा भी दिया, लेकिन जो हमारी डव्स हैं उनके मुंह को ज़्यादा कंगनी लग गई है। वो बिल्कुल भी मिक्स दाना भी नहीं खाते और बाजरा भी नहीं खाते, लेकिन कंगनी शौक़ से खाते हैं। और मौसम आज काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन बारिश तो नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्रे बॉटल में मैंने क्या डाला है, क्योंकि पहले मैंने आप सबको बताया था ना कि मैंने एलोवेरा और वाटर को मिक्स करके इन सब पे स्प्रे किया था, तो माशाल्लाह हमारे जो बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए थे। तो मैंने अब ओवरनाइट के लिए इसमें नीम के पत्ते डाल दिए थे, जो कि इसमें अब अच्छे से उनका जो टेक्स्चर है वो आ गया था, और पानी जो है वो अपना कलर चेंज कर चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनको नीम के पत्तों से स्प्रे किया जाए, और मोर जो हैं वो मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए थे। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगी कि आप सब मुझे बताएं कि हमें मोरों को उनकी रस्सी को खोल देना चाहिए या नहीं। और ये देखिए मौसम, मैंने आप सबसे कहा ना कि मौसम काफ़ी प्यारा था, लेकिन बारिश नहीं आई थी। मौसम प्यारा होने की वजह से जो मोर हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। अगर तो बारिश होती तो मैं मोरों को बिल्कुल भी बाहर ना निकालती, क्योंकि ये भीग जाते, लेकिन मौसम ठंडा था तो हमारे जो मोर हैं अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन मोरों को मैंने उनका फ्रीडम तो दे दिया है, लेकिन फ्रीडम लेते ही इसने हमारी सब क्यारियाँ जो हैं वो सब ख़राब कर दी हैं, और सब पौधे जो हैं इन्होंने खा लिए हैं और तकरीबन तोड़ दिए हैं। जो हमारी मिनी क्यारी थी, हमारे मोरों ने तकरीबन वो मिनी क्यारी को ख़राब कर दिया है, और उसकी मिट्टी जो है उसके अंदर गहरा सा घड़ा भी कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि गर्मी है, शायद ये रिलैक्स रहना चाहते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ पौधे ख़राब कर रहे हैं तो मौसम के साथ वो तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे मोर हैं अभी उनका यहाँ पर दिल लग जाए, वो हैप्पी हो जाएं। मोरों का दिल लगाने के लिए मैंने अपने पौधों की कुर्बानी दे दी कि हमारे मोर यहाँ पर सेटल हो जाएं। और अब चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ, अब सब बर्ड्स को स्प्रे करते हैं। तो फाइनली अब सब बर्ड्स के स्प्रे का टाइम हो गया है, और मैंने इनको नीम के पानी से अच्छे से स्प्रे कर दिया था। और नीम के पानी से स्प्रे करने के बाद हमारे जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा खुश भी हो गए हैं, और इनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई है। तो मैंने अच्छे से इनको स्प्रे कर दिया था, और मैं तकरीबन डेली ही इनको नीम के पानी से स्प्रे कर रही हूँ। अगर आप सबके पास भी बर्ड्स हैं और वो कुछ ढीले हैं, कुछ बीमार लग रहे हैं, तो आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे आप सबके बर्ड्स को अच्छा सा इफ़ेक्ट भी होगा, और गर्मी की वजह से जो बीमारी है या कुछ जर्म्स भी हैं वो सब जर्म्स इनके दूर हो जाएंगे, और कोई जो भी बीमारी होगी उससे ये हमारे जो बर्ड्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप मेरे कहने से एक बार ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी किटन्स पर भी स्प्रे कर दिया जाए, इनको भी कोई जर्म्स ना लग जाएं। और सब बर्ड्स को बारी बारी मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया था, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बर्ड्स हैं वो स्प्रे करने से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जो हमारे बर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ढीले ढीले रहने लग गए थे। 5 डेज़ मेडिसन करने के बाद भी फुल अच्छे से एक्टिव नहीं हो रहे थे, तो फिर स्प्रे करने से जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो मेडिसन से ज़्यादा मिला है।
तो मैं आप सबको रिकमेंड ज़रूर करूंगी कि अगर आप सबके घर में बर्ड्स हैं और वो छांव में हैं तो आप ये ज़रूर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और अपने बर्ड्स को स्प्रे कीजिएगा, जिससे आपके सब बर्ड्स को अच्छे से फ़ायदा होगा और आपके जो बर्ड्स हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे जो सब पेट्स हैं वो डर भी रहे थे कि इतना ज़्यादा पानी अचानक से उनके ऊपर कहाँ से आ रहा है, और कुछ जो हैं वो हैप्पी भी हो रहे थे। हमारे बजिस डर रहे थे लेकिन हमारे कॉकटेल्स काफ़ी हैप्पी थे, हमारे लव बर्ड्स भी हैप्पी थे। और अब बारी आती है हमारे मिट्टू और उसकी पार्टनर की, जो आपको हमारी मिट्टू की पार्टनर फूली फूली सी नज़र आ रही थी। तो स्प्रे करने के बाद अब माशाल्लाह से हमारे मिठू की पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही है। तो आप सब भी अपने घर में इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर कीजिएगा। ओवरनाइट के लिए नीम के पत्तों को भिगोकर रख दीजिएगा। लेकिन अभी मैंने बॉटल में आपको दिखाया था ना, नीम के पत्ते तो थे लेकिन मैंने उस पानी को स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि स्ट्रेन कर कर ही अच्छे से हम लोग स्प्रे कर सकेंगे। और फिर आप सब अपने सब पेट्स को, बर्ड्स को ये स्प्रे कीजिएगा। और आज भी हमारी जो मोरनी है वो मोर को प्यार कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता ये प्यार है या वो उसके परों को तोड़ के खाती है। आप सब बताइएगा अगर आप में से किसी को पता है कि ये मोरनी के प्यार है या वो इसके परों को खाने में इंटरेस्ट लेती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।